सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी 1992 अमेरिका के एक कॉलेज में पढ़ रहे 21 साल के लड़के माइक की है। क्रिसमस की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और सभी स्टूडेंट्स को घर जाने के लिए वेकेशन मिला था, पर माइक और उसका रूममेट मैटी दोनों ही एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो घर नहीं गए और कॉलेज हॉस्टल में ही रुके हुए थे। क्रिसमस से 2 दिन पहले मैटी और माइक रात में बैठकर एक हॉरर मूवी देख रहे थे। मूवी के बाद दोनों अलग अलग हॉरर लेजेंड्स की बात करने लगे। तब पहली बार मैटी ने माइक को ब्लडी मैरी के किस्से के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर कोई इंसान अकेले शीशे के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मैरी को पुकारे तो वो शीशे से निकल कर आती है और उस इंसान को मार देती है। ब्लडी मैरी का किस्सा माइक को बहुत दिलचस्प लगा और उसने ब्लडी मैरी को बुलाने का मन बनाया। उसने देर रात बाथरूम में जाकर शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। वो थोड़ी देर रुका पर वहां कुछ भी नहीं हुआ और माइक अपने कमरे में सोने आ गया। रात में सोते हुए माइक को एक सपना आया कि वो एक बहुत बड़े समुद्र में अकेला खड़ा था और उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन पानी की रिफ्लेक्शन में उसे किसी औरत की परछाई दिख रही थी। वो जैसे ही उस औरत का चेहरा गौर से देखने के लिए नीचे झुका, वैसे ही अचानक पानी से एक हाथ निकला और उसकी नींद खुल गई। जब उसने आसपास देखा तो बगल में उसका रूममेट मैटी आराम से सो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद माइक को भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब माइक बाथरूम में गया तो उसने देखा कि उस शीशे पर एक क्रैक है और उस क्रैक में से खून निकल रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था। उस रात फिर उसे एक सपना आया जहां वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है और उसके चारों ओर शीशे ही शीशे हैं। उसके कानों में अपनी ही आवाज बार बार गूंज रही थी। ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। धीरे धीरे सारे शीशे क्रैक होने लगे। उसे एक शीशे में नीले रंग का रोता हुआ एक बच्चा दिखा और वो उसके पास गया। उसके पास जाते ही वहां सारे शीशे गायब हो गए और वो जैसे ही पीछे मुड़ा वहां ब्लडी मैरी खड़ी थी। ये देखकर उसकी नींद वापस खुल गई और उसने घबरा कर अपने दोस्त मैटी को भी नींद से जगा दिया। माइक ने मैटी को उसके साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो मैटी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उसने माइक से कहा कि ये सब बस एक कहानी है। पर माइक के बहुत कहने पर उन दोनों ने उस रात ब्लडी मैरी को वापस बुलाकर उससे माफी मांगने का प्लान बनाया। इस बार उन दोनों ने ब्लडी मैरी को बुलाने के पूरे रिचुअल को फॉलो करके ब्लडी मैरी को 3 बार आवाज लगाई पर कोई भी नहीं आया। फिर मैटी बाथरूम से बाहर निकला और माइक को अकेले उसे बुलाने के लिए कहा। बहुत हिम्मत करके जब माइक ने ब्लडी मैरी को 3 बार बुलाया तब भी कुछ नहीं हुआ। मैटी बाहर से बोलने लगा कि माइक बहुत ज्यादा सोच रहा है और ये सब सिर्फ एक कहानी है। पर तभी दरवाजे के नीचे से दिख रही कैंडल की लाइट जोर जोर से फ्लिकर करने लगी। मैटी को थोड़ा अजीब लगा और उसने तुरंत माइक से पूछा कि वो ठीक है कि नहीं। माइक इतना डर गया था कि उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। पर तभी बाथरूम की लाइट पूरी तरीके से बंद हो गई और तभी शीशे के सामने उसे ब्लडी मैरी दिखी और वो बहुत जोर से चीखा। मैटी उसकी चीख सुनकर बेहद घबरा गया था और उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करी पर दरवाजा नहीं खुला। उसने जल्दी जल्दी नीचे से गार्ड को बुलाया और दरवाजा तोड़वाया। जब दरवाजा खुला तो मैटी ने देखा
कि वो शीशा टूटा पड़ा था और माइक का सर बाथरूम के सिंक में पानी में डूबा हुआ था। माइक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। मैटी उसकी मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है और ब्लडी मैरी का नाम अपनी जुबान पर कभी नहीं लाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल खूनी मंडे को जरूर सब्सक्राइब करें।